स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 पोएट्री का एक पोयम जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इस पोयम के बारे में मैं कुछ बातें बताना जरूरी समझता हूं। यह पूरी पोयम नहीं है और इसका जो मूल नाम है, ओरिजिनल नेम है, वह है मोर्टे डी आर्थर। यहां आपके सिलेबस में जो पोयम दी गई है, मोर्टे डी आर्थर का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें एक राजा जिसका नाम आर्थर है को उसका एक सरदार सर डिलीवर नाव पे बैठा कर विदा करने आया है। और इस पोयम में राजा आर्थर अपने सरदार से जो कुछ कहता है उसका विवरण आप पाएंगे। पूरी पोयम का कथानक भी मैं आपको बता दूं कि इसमें राजा आर्थर अपने राज्य में अमीरों के अत्याचार से, वह अत्याचार जो गरीबों के साथ किया जाता था, से बचाने के लिए एक राउंडिंग टेबल प्रथा का शुरुआत किया था। और इसमें राजा के कुछ सरदार, कुछ योद्धा उनके साथ थे इस लड़ाई में। और फिर उस राज्य के जो अमीर अत्याचारी थे, उन लोगों ने राउंडिंग टेबल प्रथा को समाप्त कर दिया और राजा के सारे सरदार और योद्धा मारे गए, सिर्फ सर डिलीवर को छोड़कर और राजा को छोड़कर। तो आखिरी समय में जब सर डिलीवर अपने राजा को नाव पे बैठा कर विदा करता है, तो उस समय राजा आर्थर जो कुछ कहता है अपने सरदार सर डिलीवर से, वह आप इस पोयम में पाएंगे। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज का अर्थ होता है छोटी नाव। और छोटी नाव से राजा आर्थर ने बहुत धीरे से जवाब दिया। द ओल्ड आर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ओल्ड आर्डर से अर्थ है पुरानी प्रथा, पुराना प्रचलन, पुरानी प्रणाली। तो पुरानी प्रणाली, पुरानी प्रथा बदलती है यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और इसके स्थान पे नई प्रथा, नया प्रचलन आ जाता है। यील्डिंग का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो पुरानी प्रथा समाप्त होती है और नई प्रथा आ जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। और ईश्वर अपनी इच्छा को कई तरीकों से पूरा करता है। फुलफिल का अर्थ है तृप्त करना, संतुष्ट करना। तो ईश्वर अपनी इच्छा को कई तरीकों से पूरा करता है। कहने का अर्थ है कि होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। और ईश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कई तरीके अपनाता है, कई तरीकों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, अलग अलग माध्यमों से अपनी इच्छा को पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड।
कभी-कभी अच्छे अच्छे प्रचलन भी संसार को भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गुड कस्टम मतलब अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण भी संसार को नष्ट करता है। कहने का अर्थ है कि सिर्फ अच्छाई ही संसार में रहे तो भी संसार नष्ट हो जाता है। तो सिर्फ कुछ अच्छी प्रथाएं ही काफी नहीं है, कभी-कभी अच्छी प्रथाएं भी संसार को भ्रष्ट करती हैं, नष्ट करती हैं। कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। सहज रहो, कंफर्ट का अर्थ होता है आराम। तो यहां पर राजा अर्थरक ने सरदार सर डिलीवर्स को कह रहा है कि सहज रहो, परेशान मत हो, बेचैन मत हो, और वैसे मैं ही कहाँ सहज हूं। हालांकि राजा खुद भी सहज नहीं है, वह भी बेचैनी फील कर रहा है, बेचैनी महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने सरदार को कह रहा है सहज रहो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन। मैं अपना जीवन जी चुका हूं और मुझे जो करना था कर चुका हूं। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दू, और वह मेक विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर और वह स्वयं ही अपने आप को शुद्ध करता है। से अर्थ है कि वह यानी ईश्वर स्वयं ही अपने आप को पूर्ण बनाता है। अपने आप ईश्वर या ईश्वर द्वारा सृजित या संसार ईश्वर के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है, यानी जो बुराइयां होती हैं उसे ईश्वर स्वयं ही दूर करता है। बट दो इफ यू शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, लेकिन तुम अब कभी मेरा चेहरा दोबारा नहीं देखोगे। दो का अर्थ होता है THOU जो लिखा है दो, इसका अर्थ है तुम, लेकिन अब तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगे। प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, बहुत सी चीजें हैं जो केवल प्रार्थना से ही की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो प्रार्थना से की जा सकती हैं और इतना अधिक की जा सकती हैं कि संसार उसका कल्पना भी नहीं कर सकता, उसका सपने सपने भी नहीं देख सकता। इतना कुछ किया जा सकता है सिर्फ प्रार्थना करके। तो राजा यहां पर प्रार्थना की शक्ति को बता रहा है कि प्रार्थना करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसका संसार कल्पना भी नहीं कर सकता। वेयर फोर लेट दाई वॉयस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। वेयर फोर का अर्थ है इसलिए, इसलिए मेरी आवाज को फवारे की तरह ऊंचा करो। फाउंटेन का अर्थ होता है फवार, जैसे फवारा जल सतह से काफी ऊपर तक जाता है, उस तरह से मेरी आवाज को भी ऊंचाइयों पर ले जाओ और दिन रात ऐसा करते रहो। फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शिप आर गोट्स दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन।
वे लोग जो अंधेरे में अपना जीवन बिता देते हैं, अंधेरे में से अर्थ है कि अज्ञानता में अपना जीवन बिता देते हैं, जबकि उनके पास दिमाग होता है। आदमी या वे आदमी जो दिमाग रखकर भी केवल अज्ञानता में अपना जीवन बिता देते हैं, क्या वे भेड़ बकरियों से बेहतर हैं? यह राजा का प्रश्न है। नरिस मतलब पालन पोषण करना होता है। भावार्थ है इन लाइन्स का, इन पंक्तियों का, कि वे लोग जो दिमाग रखते हुए भी अज्ञानता में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, क्या वे भेड़ बकरियों से बेहतर हैं? If knowing God, they lift not hand of prayer, both for themselves and those who call them friends. और वे लोग जो ईश्वर को जानते हैं, भेड़ बकरिया या जानवर ईश्वर के बारे में नहीं जानते कि यह संसार क्या है या कैसे है, रचयिता कौन है, पर इंसान ईश्वर के बारे में जानता है, समझता है, पर फिर भी उसके हाथ ईश्वर की प्रार्थना में नहीं उठते, या वे ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते, ना अपने लिए ही, ना उनके लिए जिनको वे लोग अपना मित्र, अपना सगा संबंधी समझते हैं। तो क्या ये लोग भेड़ बकरियों से बेहतर हैं? फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड। और इसलिए यह जो समूचा संसार है, जो समूची पृथ्वी है, हर तरह से ईश्वर के पैरों से, एक सोने की जंजीर से बंधी हुई है। बहुत गहरा अर्थ है इसका। यहाँ पे राजा का कथन है कि ये जो संसार है, संसार के जो लोग हैं, वे सभी हर तरह से ईश्वर के पैर से बंधे हुए हैं, लेकिन उनके बीच का जो बंधन है वो सोने की जंजीर का है, और यह संसार के लोग बस सोने तक ही सीमित है, सोने को ही पाना चाहते हैं, ईश्वर तक नहीं पहुंचना चाहते। तो ये जो संसार है, यह पूरा समूचा संसार है, हर तरह से इसका केवल एक ही सहारा है, और वह ईश्वर है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मैं विदा होता हूं।